एलएफपी बैकवाटर केरला हाउस बोट एक्सपीरियंस। हमारी हाउस बोट जो लेक में है वो लेक का नाम है वेम्बनाड लेक, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं अलप्पी में। अभी हम जा रहे हैं हाउस बोट में। चलो आपको दिखाते हैं। द वेम्बनाड लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला एंड इज नोन टू बी लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो आज है हमारा डे वन। तो ये है हाउस बोट, आज का हमारा वन नाइट स्टे। चेक इन टाइम 12 PM एंड चेक आउट टाइम 9 AM। तो हम लोग 2 बजे अलप्पी पहुंच गए। चलो तो आज हाउस बोट मैं चलाने वाली हूँ। तो वेलकम ड्रिंक में मिला हमें नींबू पानी। तो चलो आपको हाउस बोट टूर करवाती हूँ। ये है हॉल जहाँ बैठ के हम लोग लंच डिनर ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, बहुत सारे गप्पे मारेंगे और ऊनो खेलेंगे, और ये विंडो से ब्यूटीफुल नज़ारा एंजॉय करेंगे। चलो आपको ले चलती हूँ रूम टूर करवाने। ये है हमारा आज का स्टे हाउस बोट। ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी क्लीन एंड नीट था। तो हमारी रूम में ही वॉशरूम था और वॉशरूम काफ़ी बड़ा था। हमारी हाउस बोट में एक ही रूम था। अगर आप लोग ज़्यादा लोग हो 10 जन 20 जन तो आपको 10 रूम वाली 15 रूम वाली हाउस बोट मिल जाएगी। तो सब हाउस बोट यहाँ पे अलग अलग टाइप की होती है। हमारी है 1 रूम वाली हाउस बोट। कोई हाउस बोट में रहता है 2 रूम, किसी में रहता है 3 रूम, किसी में 5 रूम, किसी में 7 रूम। तो सब हाउस बोट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको मिल जाएगी। लग्जरी हाउस बोट भी यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा पैकेज में ही हाउस बोट स्टे इंक्लूड था। तो हमारे हाउस बोट पैकेज में ही लंच डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। आप लोग वहाँ पे हाउस बोट का पैकेज लोगे ना तो हाउस बोट वाले हैं ना लंच डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके ही पैकेज देते हैं हाउस बोट का। तो अभी हम लंच एंजॉय करेंगे। ये पापड़ बनता है चने के आटे से, तो यहाँ का फेमस है ये पापड़। ये है सलाद, टोमेटो ऑनियन कैप्सिकम। ये है बीटरूट सलाद। ये सलाद बनता है मीठा दही से, और ये लोग इसमें फिर तड़का डालते हैं तेल और राई जीरा का। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया बीटरूट स्वीट सलाद। फिर हमें मिला दाल राइस और भिंडी की सब्जी। तो खाना टेस्टी था, अच्छा लगा। लंच एंजॉय करके अभी हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ हाउस बोट का रूल रहता है, आपके रूम में एसी होगी ना तो एसी 9 बजे वो लोग स्टार्ट करेंगे, और हाउस बोट है ना आपको 6 बजे तक घुमाएगी पानी में। 6 बजे को वापस वो अपने जगह पे आके हाउस बोट को बांध देंगे। 6 बजे तक आप लोग मस्त व्यू एंजॉय कर सकते हो। 6 बजे के बाद हाउस बोट एक ही जगह पे रहेगी। केरला का फेमस है हाउस बोट, तो इसलिए ट्राई करना तो बनता है। केरला आए हो और हाउस बोट का एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो क्या ही फ़ायदा केरला आके। केरला को बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री। तो अभी बजे है 5 और हमारा नाश्ता आ गया, चाय और नाश्ता। ये है कांदी भजी। यहाँ बहुत सारी हाउस बोट है, तो सब हाउस बोट का अलग अलग नेम है और सबके अलग अलग एजेंट रहते हैं।
तो अभी 6 बज गए, तो हाउस बोट अभी जा रही है अपनी जगह पे पार्क करने के लिए। तो अभी ये अंकल हाउस बोट को पार्क कर रहे हैं, फिर रस्सी से हाउस बोट को बांध देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे रूम में हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोग खेलेंगे। ओह नो, एसी है रूम में, बट वो एसी है ना 9 स्टार्ट होगा और हमारा डिनर भी आएगा 9 बजे। तो अभी उनो खेल रहे हैं, अभी बजे है 9 o'clock। तो डिनर हमारा आ गया है, डिनर में है राइस, दाल, भिंडी की सब्जी और पनीर की सब्जी और रोटी। तो डिनर बहुत टेस्टी था। अभी मैं हूँ हाउस बोट में और ये है हमारी रूम। तो रूम में ये मस्त पेंटिंग किया है, फिर रूम में है टीवी, ऊपर है एसी और यहाँ पे है बेड और यहाँ पे है 2 चेयर। अच्छा है रूम। और यहाँ पे है वॉशरूम, यहाँ पे है आईना। हाउस बोट बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि जैक फ्रूट ट्री वुड, पाम वुड, कोकोनट फाइबर, बाम्बू पोल्स, रोप, बाम्बू मैट्स। तो हमारी हाउस बोट है ना, वो 6 बजे स्टॉप हो जाती है, एक जगह पे आके रुक जाती है। 6 बजे तक हमको मस्त घुमाया, 2 से 6 एकदम मजा किया। ब्यूटीफुल व्यू देखा हम लोग ने, कोकोनट और बनाना का ट्री भी देखा। तो अभी हम सो रहे हैं, तो गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। तो आज है लास्ट डे हमारा हाउस बोट में, अभी बजे है मॉर्निंग के 7 o'clock। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, फिर हाउस बोट को अलविदा। तो ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है, तो ब्रेकफास्ट में है इडली, चटनी, सांभर। तो अभी हम ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी बजे है मॉर्निंग के 7 o'clock। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, तो अभी हमारा चेकआउट है। तो अभी हम जाने वाले हैं टेकड़ी। तो अलप्पी से टेकड़ी का डिस्टेंस है 5 घंटा, तो 5 घंटा हमें ट्रैवलिंग करना होगा अलप्पी से टेकड़ी जाने में। तो 8 बजे हम लोग ने हाउस बोट को चेकआउट कर दिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेकड़ी। अलप्पी में आप लोग लाइट हाउस भी देख सकते हो। और मरारी बीच भी देख सकते हो। तो अभी घाट आना स्टार्ट हो गया है, तो पूरा रास्ता अभी ऐसे घाट ही आएंगे। कितना प्यारा नज़ारा है, ब्यूटीफुल माउंटेन। अलप्पी से टेकड़ी जाने के रास्ते में हमें ये रबड़ के प्लांट मिले हैं, रबड़ के जाड। तो ये जाड में प्लास्टिक की थैली लगाई हुई है और कोई कोई में पॉट लगाया हुआ है, तो उसमें जो वाइट कलर का निकलता है ना, वो उसमें जमा होता है टोकरी में। तो केरला में रबड़ का जाड बहुत सारे है, रबड़ का उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता होगा। देखो ऐसे बाउल में वाइट कलर का जो निकलता है ना, वो जमा होता है, ये है रबड़। ये है चावल की खेती। तो टेकड़ी का व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्रिंस के साथ हाउस बोट का मस्त था, बहुत मजा आई, यहाँ का एनवायरनमेंट भी मस्त है।
तो आज का अलप्पी हाउस बोट टूर आप लोग को कैसा लगा कमेंट करना। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं न्यू टेकड़ी के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। टू बी कंटिन्यू। वीडियो एडिटेड बाय आरती।